ये मेरा वीडियो मुस्लिम समाज के चहेते मेरे चहेते रवीश कुमार जी के लिए है। रवीश कुमार जी, काफी टाइम से आपके प्रोग्राम देखते आ रहे हैं सालों से, मगर मैं एक बात हरदम में सोचता था ना रवीश भाई, कि जो ताली है ना वो तो दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बज सकती। सोचता रहा, मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाले थे मुस्लिम समाज को समझाने के लिए, मगर आपको पता है एक तबका है, उसको मैं बोलता हूँ बिरयानी तबका। ये हैदराबाद की बिरयानी तबका है, जैसे नागपुर के संतरे है ना, वैसे हैदराबाद की बिरयानी है। ये दोनों एक ही किस्म की विचारधारा के दत्तक पुत्र हैं। अब आप ये समझ जाइए, मैं आपको चुनौती तो नहीं देता, मगर मैं आपको सुझाव जरूर देता हूं, एक प्रोग्राम करिए वफ बोर्ड के लोचो के ऊपर, जहां से बिरयानी फेमस है हैदराबाद की। हम आपको दावे के साथ कहते हैं, दावे के साथ है, अपना भी एक्सपीरियंस है रवीश भाई, कि आपको जैसे नागपुर के संतरे नजर आते हैं ना, वैसे आपको हैदराबाद की बिरयानी नजर आने लग जाएगी। ये अपनी खाल में से ऐसे निकलेंगे कि इनके मुखौटे उतर जाएंगे, ये आपको भी आपकी भी पैंट में झांकना शुरू कर देंगे, आपको भी संगी बोल देंगे एक मिनट में। मैं आपको बता रहा हूँ रवीश भाई, 20% इधर भी है और 20% उधर भी, जिन्होंने पूरा बवाल कर रखा है। ये दोनों मिलके दो विचारधाराओं की राजनीति चला रहे हैं, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो बिल्कुल समाज के जो निचला स्तर होता है ना, वहां से आते हैं, उठ के लोग ये वहां से आते हैं। इनको ये पता ही नहीं है, जाने अनजाने में ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। अब देखो, जहां पे सत्य नहीं होगा ना रवीश जी, वहां पे टीआरपी होती है। जहां सत्य होगा ना, वहां टीआरपी कभी नहीं बन सकती। अब मेरे भी कुछ फॉलोअर है, 5-7 लाख, 5-7 लाख जगह 5 भी बच जाए ना, तो मैं एक ही चीज पे विश्वास करता हूँ, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप एक शो करिए वक्फ बोर्ड के घोटालों के ऊपर। आपको अंदाजा लग जाएगा जो ये मुसलमान बैठे ना हैदराबाद के, ये आप पे कितने लंगोटिया यार है। और जितने भी लोग हैं जो आज की तारीख में मुस्लिम समाज से निकलते हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, अपना कचरा साफ करिए। अगर देश में आपको सफाई चाहिए ना, तो अपना अपना घर साफ कर लीजिए। जैसे मेरे पीछे दिख रहे हैं ना घर आपको, ठीक है, साफ सुथरे, क्योंकि सब अपना अपना घर साफ रखते हैं। अगर आप लोग इकट्ठे लग जाएंगे तो आपको भी ऐसे मोहल्ले दिखेंगे अपने देश के अंदर। नहीं तो एक घर में से सड़ान आती है ना, तो पूरे मोहल्ला सड़ता है। और अगर नहीं विश्वास है तो एक काम करिए, एक अंडा अपने घर में फोड़ दीजिए, उसको सड़ने दीजिए। अगर पूरा घर नहीं सड़ने लग जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। और यही सत्य है कि नागपुर के संतरे और हैदराबाद की बिरयानी एक ही विचारधारा के दत्तक पुत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। रवीश साहब, एक प्रोग्राम करिए, आपको भी पता लग जाएगा कि सत्य कैसे स्थापित करा जाता है। जय हिंद।